ब्रह्मकुमारी यवल्याच्या वतीनं पवित्र रक्षाबंधन साजरा. प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा यवला यांच्या वतीनं रक्षाबंधनाच्या पवित्र सणाच्या निमित्तानं माउंट आबू राजस्थान येथील राखी पवित्र रक्षाबंधन तसेच हर घर तिरंगा हा भारताच्या आझादी अमृत महोत्सव निमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. याप्रसंगी नाशिक जिल्हा क्षेत्रीय संचालिका आदरणीय राजयोगिनी वासंती दिदी, कोपरगाव सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मकुमारी सरला दिदी, डॉक्टर श्री भाऊसाहेब गमे सर, शरद ढोमसे सर, आत्ममालिक इंग्लिश मीडियम स्कूल येवला कापसे सर, सोमगिरी मठाचे संचालक कंकाले महाराज, सौ भारतीताई येवले तसेच येवल्याची गान कोकिळा अम्रपाली पगारे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. ब्रह्मकुमारी वासंती दिदी यांनी रक्षाबंधनाचं आध्यात्मिक रहस्य समजावून सांगितलंय व सर्वांना माउंट आबीची राखी तसेच वरदान व ईश्वरी प्रसाद देऊन सन्मानित केलं. ब्रह्मकुमारी सल्ला दिदी यांनी कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक केलंय. याप्रसंगी कुमारी अम्रपाली पगारे हिने ए मेरे वतन के लोगो हे गीत सादर करून सर्वांना मंत्रमुग्ध केलं. हर घर तिरंगाचा मेसेज देण्यासाठी मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवरांनी भारताचा तिरंगा ध्वज हातात घेऊन अमृत महोत्सवी वर्षाचा संदेश दिलाय. याप्रसंगी ओम गुरुदेव इंग्लिश मीडियम स्कूल येवला या शाळेच्या 8 विद्यार्थिनींनी रक्षाबंधनावरती सुंदर नृत्य प्रस्तुत केलं. दिदीजींच्या हस्ते आलेल्या सर्व मान्यवरांना पवित्र राखी बांधून ईश्वरीय सौगात तसेच प्रसाद व वरदान देऊन सन्मानित करण्यात आलं. संपूर्ण कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन ब्रह्मकुमारी नीता दिदी येवला सेवा केंद्र संचालित यांनी केलं व आभार प्रदर्शन ब्रह्मकुमारी अनु दिदी यांनी केलं. कार्यक्रमाला साधकांची मोठी उपस्थिती लाभली. स्टार टू महाराष्ट्र न्यूजसाठी साकीर शेख येवला.
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के येवला सेवा केंद्र पर आज बहुत धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। ईश्वरीय रक्षा का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, ये यहाँ समझाया गया। और रक्षाबंधन ये एक ऐसा त्यौहार है कि हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, वह परिवर्तन की तरफ ले जाता है। हमें अपने दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति किस तरह से पॉजिटिव करना है, सकारात्मक करना है, ये हमें समझाया जाता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक ज्ञान को स्पष्ट किया जाता है और आध्यात्मिकता के द्वारा अपने जीवन में किस प्रकार से हम परिवर्तन लाते हैं, चेंज लाते हैं। क्योंकि आज के संसार के अंदर दुख, शांति, अनबन व भय और दूसरी बातों से मनुष्य हैरान है, तनाव युक्त जीवन हो गया है। और इसीलिए मेडिटेशन की या एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान हमें बहुत उपयोगी होता है। तो आप सभी भाई बहनों के लिए ये एक ईश्वरीय निमंत्रण हम ईश्वरीय विद्यालय के तरफ से देते हैं कि आप ज़रूर इस सेवा केंद्र पर आकर के ईश्वरीय ज्ञान को समझने की कोशिश करें। और हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है हम आपको बांटना चाहेंगे, हम आपकी सेवा चाहेंगे। आप ज़रूर इसकी विजिट करें।